भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाला तीसरा ओडीआई मैच समापन हो चुका है और भारत ने यह मैच जीत लिया है और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। हालांकि यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम पर रही है और ओडीआई सीरीज का समापन हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त जीत ली। अब अगला दौर चालू होने वाला है T20 का, तो T20 का दौर के बारे में सब सीरीज आपके पास क्रिकेट में दोनों वाले हैं चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या शेड्यूल बना हुआ है और T20 मैच प्लस टेस्ट मैच की पूरा इंक्वायरी आपको जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी इस वीडियो पर। तो वहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फर्स्ट T20 मैच 4 दिसंबर को फ्राइडे के दिन कैनबरा में खेला जाएगा। वहीं सेकेंड T20 मैच 6 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा और वहीं तीसरा T20 मैच आपको 8 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। तो 3 T20 मैच आपके होंगे, इसमें इंडिया विन करेगा तो ये पूरी सीरीज आपको इंडिया के नाम पे मिलेगी। और इसके बाद आते हैं टेस्ट मैच की सीरीज। तो टेस्ट मैच की सीरीज 17 दिसंबर से चालू होने वाली है, उससे पहले आपको 11 से 13 तारीख के बीच में मतलब 3 दिन का प्रैक्टिस मैच मिलेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया ए इंडिया आगमन पर 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में जो की खेला जाएगा सिडनी में। वहीं जो चौथा टेस्ट मैच रहेगा वो रहेगा 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। तो 4 टेस्ट मैच की सीरीज रहेगी है और ये थी आपके पास जानकारी 4 टेस्ट मैच 3 ओडीआई और T20 मैच के लिए और इंडिया गई है ऑस्ट्रेलिया टूर पर। और आने वाली वीडियो पर मैं आपको देने वाला हूँ इंग्लैंड और इंडिया के बीच का टूर का जो अभी बना है अगस्त के महीने में, तो वो जानकारी भी आपको मैं दे दूंगा। अगस्त में इंडिया इंग्लैंड का टूर करने वाली है, तब कौन सा मैच होने वाला है वो भी टेस्ट मैच की सीरीज होगी, तो वो जानकारी मैं आपको इस आने वाली वीडियो पर दे दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप कल की मैच के प्रीव्यू चाहते हैं या हाईलाइट चाहते हैं तो ऊपर When is that gone? Oh, come to the blue over the ropes. The power of Hardik Pandya.